अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको चिल्ले की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी तफसील से और सही तरह से समझनी है तो यूट्यूब पर जाकर प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा होता है, अपलोड नहीं होती है लॉन्ग वीडियो। तो चले जी, आज मैं आपको स्मॉल पिज़्ज़ा की रेसिपी बता रही हूँ सिर्फ एक स्मॉल स्पून के साथ। जी, ये स्पून आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें जी, पहले रेसिपी बताती हूँ। मैंने एक कप प्याली मैदा लिया, छोटी प्याली मैदा के लिए, और बेकिंग सोडा डाल के उसको अच्छी तरह से छान लिया। जब उसको छानने के बाद मैंने एक टी स्पून चीनी का, एक टी स्पून नमक का, देखा मेरा टी स्पून आप लोग चम्मच अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद उसको नीम गर्म पानी से अच्छी तरह से मारा पीटा। आपको चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करना होता है डो के अंदर। उसको अच्छी तरह से इसको अच्छा उंगलियों की मदद से आप लोगों को गूंदना है, हथेलियों की मदद से बिल्कुल नहीं गूंदना, क्योंकि हथेलियाँ हमारी गर्म होती हैं। तो इस तरह से उंगलियों की मदद से गूंदना है। उसके बाद किसी भी प्लास्टिक का कोई डब्बा ले लें, उसको ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह से किसी गर्म जगह पर रख दें। 1 से 1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद हम ना चीज़ नहीं डालेंगे, चीज़ की जगह हम बनाएंगे खुद, हम लोग एक चीज़ी सॉस बनाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे आपको बताते हैं। मैदा लेना है, 1 चम्मच मैदा लेना है, 2 टेबल स्पून दूध के लेना है, उसमें नमक और काली मिर्च डाल के उसे अच्छी तरह से थिक थिक पका लेना। उसके बाद क्या करना है, जब हमारी डो अच्छी तरह से राइस हो गई, हमने पैन लेना है, पिज़्ज़ा पैन लेना है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। उसको अच्छी तरह से आप लोगों ने मतलब कि मेरा जितना मुझे आटे की ज़रूरत थी, डो की ज़रूरत थी, उतनी मेरी डो बनी है एक स्मॉल पिज़्ज़ा के लिए। उसको अच्छी तरह से किया। ये वाइट सॉस सॉस है, लोग पिज़्ज़ा सॉस होती है वो मैंने वाइट सॉस बनाई है। ये बहुत स्पाइसी होती है, आपको ज़रूर मैं बहुत जल्दी इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने क्या किया, एक तरफ मलाई बोटी, एक तरफ तिक्का बोटी रख के उसमें थोड़े से फ्राइज प्याज टमाटर और हरी मिर्चें रख के प्याज अच्छी इसके ऊपर थोड़ी सी लाल कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह पकने देंगे। साइडों पे मैंने ऑयल लगा लिया ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। पीछे से आप कलर देख सकते हैं कितना ब्राउन कलर है। अगर आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखें तो जाकर यूट्यूब पर देखें।